स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक कार्यालय पर एडीजी जोन धावा शेरपा ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ध्वजारोहण किया। उसके बाद उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता व अखंडता की शपथ दिलाई। एडीजी जोन धावा शेरपा ने कहा कि कोरोना महामारी में हमारे पुलिस के जवानों ने कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी जान जोखिम में डालते हुए आम जनमानस की रक्षा करते हुए अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वह सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सिर्फ एक ही इलाज है, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने, सभी लोग इसका पालन करें तभी संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को बधाई एवं ढेर सारा राष्ट्र की स्वतंत्रता एवं अखंडता सुरक्षित रखने तथा उसे सुदृढ़ बनाने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा। मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लूंगा। वर्ग, भाषा और क्षेत्र से संबंधित मतभेदों और विवादों या अन्य राजनीतिक अथवा आर्थिक समस्याओं का समाधान शांति तथा संवैधानिक तरीके से करूंगा। परेड ऑफ परेड देश ऑफ। इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हर वर्ष की तरह हम आज भी अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहां एकत्रित हैं। हाँ, ये जरूर है कि वर्तमान में जो महामारी कोविड कोरोना के चलते इस आयोजन के तौर तरीके में बदलाव है, जैसा कि हमने बाकी पर्व और त्यौहार में भी इस आवश्यकता का अनुरूप बदलाव किया है, तो उसी प्रकार इस समारोह को भी उसी प्रकार से सादगी के साथ कम लोगों के साथ रखा गया ताकि किसी प्रकार की नियम आदि की उल्लंघन न हो। इस प्रकोप के मध्य जिस प्रकार से हमारे कर्मचारियों ने काम किया है, हमारे साथी अधिकारियों ने काम किया है, चाहे लॉकडाउन को अनुपालन कराना हो, लोगों में प्रचार प्रसार कराना हो और तरह तरह के जो आदेश निर्देश जो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के संबंधित विभागों से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मिले थे, उसको हमारे साथियों ने बखूबी अनुपालन कराया, जिसका प्रतिफल आप देख रहे हैं कि वास्तव में सभी लोग आपके कार्य से बहुत संतुष्ट है, सराहना की जा रही है। साथियों, यही हमारा कर्तव्य है कि देश को आगे ले जाने के लिए, देश में बेहतरी लाने के लिए हमें जो अंश मिला है, हमें जो कर्तव्य का अंश मिला है या जिम्मेदारी का एक हिस्सा मिला है, अगर उसको हम पूरी ईमानदारी से और उसको बेहतरी करने के लिए करेंगे तो वास्तव में ये आपका योगदान देश की आज़ादी के लिए या देश की बेहतरी के लिए सराहा जाएगा। देश में स्वच्छता को लेकर, आत्मनिर्भरता को लेकर जिस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, हमें भी उसमें अपना योगदान देना चाहिए। विशेषकर स्वच्छता के बारे में ये महत्वपूर्ण है कि स्वच्छता केवल कोई सरकारी कार्यक्रम में, कोई विभागीय कार्यक्रम में नाली साफ करना, झाड़ू लगवा देना नहीं होता है। स्वच्छता की शुरुआत अपने घर आंगन से है, अपने रहन सहन से है, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम सोते उठते बैठते हैं या जहाँ हम खाते पीते हैं, वो स्थान कैसा है और उसको साफ रखने के लिए आपने क्या किया है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब जगह स्वीपर लगा के साफ नहीं की जा सकती है।
और मानवीय प्रवृत्ति में गंदगी के साथ रहना उचित भी नहीं है, क्योंकि ये समस्त सभी गंदगी बीमारी का जड़ और विभिन्न प्रकार के अस्वस्थता का कारण है। इसलिए चलिए साफ सफाई में हम विशेष ध्यान रखें। तमाम तरह की जो रोग विशेषकर गोरखपुर या पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में व्याप्त है, जिसको हम मस्तिष्क ज्वर या डेंगू आदि से जानते हैं, इसका भी एक प्रमुख कारण मच्छर और गंदगी है। और साफ पानी अगर नहीं पिएंगे, संक्रमित पानी पिएंगे, तो उसी से फैलता है। तो कोशिश हम लोग करें कि व्यक्तिगत सफाई स्वच्छता से लेकर अपने इर्द गिर्द को खुद साफ रखें, स्वच्छ रखें, खुद भी गंदगी ना फैलाएं, दूसरों को भी गंदगी फैलाने से मना करें। ये जिस दिन हम लोग अपनाएंगे, उसी दिन से ये जो इस महामारी जैसे बीमारी रोग अनेक प्रकार के रोग से हम मुक्त हो जाएंगे। वर्तमान में कोविड को लेकर उसके निर्देश है, हम लोग उसके अनुपालन में लोगों को बताते हैं, लेकिन जब तक हम खुद उसका पालन नहीं करेंगे, तो दूसरों को बताना या दूसरों से अनुपालन के बारे में उम्मीद रखना बेमानी है। इसीलिए मास्क, सैनिटाइजर, जहाँ जरूरत हो, जहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की स्थिति है, वहाँ ग्लव्स लगाना ये अनिवार्य है। जब तक पूर्ण रूप से कोविड फ्री नहीं हो जाता है, कोरोना फ्री नहीं हो जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वस्थ दिखने से केवल होता नहीं है, आपको पता है अभी कई थानों में और कई पुलिस लाइनों में जब रैंडम टेस्टिंग कराया गया, तो कई लोगों संक्रमित पाए गए जबकि उनको कोई लक्षण नहीं था। तो लक्षण ना भी हो तो दूसरों को फैलाने में तब खतरा उतना ही रहता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम उन निर्देशों को पालन करें, जिन निर्देशों के लिए हम जनता से अपेक्षा रखते हैं या उनको कार्रवाई कर रहे हैं, हम फाइन कर रहे हैं, तो पहले हम उसको अपनाएं, तब आगे की बात हो। वही बात मैं हेलमेट को लेकर भी कहूँगा, इस देश में किसी भी रोग और बीमारी से अधिक संख्या में जो मृत्यु है वो सड़क दुर्घटना है, और सड़क दुर्घटना में भी अधिकतर मृत्यु, लगभग 80% मृत्यु दुपहिया वाहन से है और सर में चोट लगने से है। हम लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं कि हेलमेट पहने, अपने आप को सुरक्षित रखें, लेकिन अक्सर मैं ये भी देखता हूँ साथ में कि हमारे ही लोग बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते पाए जाते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लोगों को लगता है कि हेलमेट पुलिस के लिए पहनते हैं, और लगता है कि हेलमेट नहीं पहनेंगे तो चालान होगा। इसमें बहुत, ये सोच में बहुत बड़ा योगदान हमारा अपना खुद का व्यवहार है। आपने देखा होगा आपके सहकर्मी लोग बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाते घूमते हैं, सर किसी का भी स्टील का नहीं है, जमीन में टकराएगा तो मृत्यु उसका भी उतना ही, उस मृत्यु की संभावना उतना ही है। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष बहुत बड़ी संख्या में हमारे पुलिसकर्मी इस प्रकार की दुर्घटना में अपना जान खो बैठते हैं, तो कृपया इसमें ध्यान दें और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए और दूसरों को प्रेरित करने के लिए हेलमेट जैसी चीज़ों को बिल्कुल हम लोग उसको अपनाएं। मैं आज ऐसे दिन में इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगता तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसका महत्व यह है कि इसे आपके जीवन में, आपके परिवार में तत्काल उसका प्रभाव होना निश्चित है। अधिक न कहते हुए मैं पुनः स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।